अस्सलाम वालेकुम। इरशाद, यू आर ऑल सेट? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज म्यूट देयर माइक्स, पुट ऑफ देयर वीडियोस। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने माइक्स को और अपने वीडियो कैमरा के आइकन को ऑफ मोड में रखें। इट्स नाउ 7:30। पार्टिसिपेंट्स नंबर इज इंक्रीजिंग, बहुत तेजी के साथ लोग शरीक होते जा रहे हैं। आई कैन सी किस तेजी से नंबर पार्टिसिपेंट्स का बढ़ रहा है। मैं एक या दो मिनट और इंतजार करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो जाएं और हम अपने प्रोग्राम वक्त की पाबंदी के साथ शुरू कर सकें। ये जूम पर हमारा वेबिनार जारी है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद अगर हमारा नंबर काफी बढ़ जाए तो लोगों को जूम में लॉगिन करने के लिए मुश्किल हो सकती है। इस वजह से एक फेसबुक अकाउंट, फेसबुक स्ट्रीम बताई गई है जो अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को प्रोग्राम दिखा सकती है। www.facebook.com/alnoorinstitute alnoorinstitute. इस वक्त प्रोग्राम फेसबुक पर शुरू हो चुका है। जो लोग इस प्रोग्राम को जूम पर देख रहे हैं, ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी आना शुरू हो चुका है। मैं सिर्फ थोड़े से और पार्टिसिपेंट्स का शुरुआत का इंतजार कर रहा हूं। आई थिंक द मोमेंट वी क्रॉस 50 वी कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। बाकी लोग हमको आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रह सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नंबर 54 क्रॉस कर चुका है, लिहाजा मैं वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए चाहूंगा कि ये वेबिनार हम यहां से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से डॉक्टर सैयद तकी रजा तकी आबिदी साहब,
और तमाम पार्टिसिपेंट्स और शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको एक मौका दिया कि बिल्कुल पहली मर्तबा जूम पर ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। मेरे लिए भी नया तजुर्बा है, जूम में मीटिंग में शरीक हो जाना अलग बात थी और जूम पर होस्ट करने का दैट टू एट ए लेवल जहां पर कनाडा से, अमेरिका से, दुबई से, यूके से और इंडिया के अंदर बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद कई लोग इस वक्त लॉगिन करे हुए मैंने देख रहा हूं और तेजी के साथ शुरुका का नंबर बढ़ता जा रहा है। ये 1972 में इस सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। हम शुक्रगुजार हैं आकाए हुसैन जाबित, जनाब नासिर हुसैन साहब, जनाब मुस्तफा हुसैन साहब, डॉक्टर अख्तर अहमद, जनाब बदरुल हसन साहब जैदी, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस नहजुल बलागा सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और बड़ी मेहनतों से, काविशों से, विथ लॉट्स ऑफ देयर एफर्ट्स उन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया कि आज उसके तकरीबन 48 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2015 यानी 2015 से जनाब करार काजमी साहब के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी और हम मुसलसिल कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस सोसाइटी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर काम करते रहें। आज के वेबिनार का मौजू है नहजुल बलागा की अहमियत और इफादियत। नहजुल बलागा हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबों यानि सरमंस, खतूत यानि लेटर्स और हिकमत आमेज कलमात यानि शॉर्ट सेइंग्स का एक ऐसा अजीमुशान मजमुआ है जिसे 359 हिजरी यानि 369 हिजरा में पैदा होकर सिर्फ 47 बरस की उम्र पाकर 406 हिजरी में इंतकाल करने वाले अपने वक्त के ज़बरदस्त आलिम और अदीब अल्लामा सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी काविशों से जमा करके इसको किताबी शक्ल दी थी। इस किताब को दुनियाए इंसानियत में न सिर्फ अरबी अदब के लिए बेमिसल शाहकार होने का शर्फ हासिल है बल्कि फसाहत व बलागत से बढ़कर इसमें इंसानी जिंदगी के तमाम अखलाकी, फिक्री, दीनी, दुनियावी, समाजी, सियासी, इख्तसादी गर्स के इंसानियत को फलाओ कमाल से हमकनार करने वाले जुमला पहलुओं को इतने आला अंदाज से पेश किया गया है कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। खुदावंद आलम की तौहीद और उसके सिफात पर आपने जो खुतबात और अखबाल इरशाद फरमाए हैं वो इल्म इलाहियात में नक्श अव्वल भी है, हर्फ आखिर भी। मुख्तलिफ मौजूआत पर मौजूद मतालिब के बहरे अमीक में एक मौजू जिस पर मौलाए कायनात ने मुख्तलिफ जावियों से उसके खदुखाल को वाज किया है वो है मुआशरे की क़यादत और रहबरी, जैसे इमामत, विलायत, हुकूमत, खिलाफत, क़यादत, और ऐसे सुनहरी उसूल बयान किए हैं कि अगर कोई मुआशरा इन पर अमल परा हो जाए तो यकीनन वो मुआशरा किसी जन्नत से कम नहीं होगा। मुख्तसर ये कि इसके एक एक जुमले में कुरान व हदीस की रूह और इस्लाम की
सही तालीम छिपी हुई है। ये तो था आज के वेबिनार के मौजू का एक हल्का सा तारुफ। इस पर से पर्दे हटाने का शरफ तो आज के हमारे मेहमान मुकर्रर आलमी शोहरत याफ्ता थिंकर, स्कॉलर, शायर, मुसन्निफ, तबीब, तबीब जिस्मानी, तबीब रूहानी डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब के सर है। कहता जाऊं तो मुकर्रर का तारुफ खुद एक सेमिनार बन जाए। कुलिन नहजुल बलागा सोसाइटी वाकईन आपकी मशकूर है कि इस पुराशुब दौर में भी आपने अपने इंतहाई मसरूफ तरीन औकात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। हम ममनून हैं आज के मेहमान खुसूसी जनाब जाहिद अली खान साहब, जो हमारे साथ पिछले 5 सालों से, जब से कि मैंने इस इदारे की जिम्मेदारी को संभाला है, आपकी शफ़क़तें, आपकी मोहब्बतें, आपकी काविशें हमारे साथ मुसलसिल जारी है। आप ही का नतीजे फिक्र था और फिर जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब सेक्रेटरी फैज़ एम ट्रस्ट का तावुन, जनाब तकी अस्करी साहब बिलाकी का विषय, जिसकी वजह से अर्श बलागत जैसी किताब आज हमारे कॉफी टेबल की जीनत बनी हुई है। मैं इस मुख्तसर से तारुफ के बाद दावत देता हूं आज के मेहमान मुकर्रर को और सामईन को, नाजरीन को ये बता दूं कि डॉक्टर साहब की तकरीर के बाद हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह, वी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन टिल व्हाट एवर टाइम द टाइम परमिट्स, या अगर कोई साइड में चैट पर भी अगर सवाल भेजते हैं, इस वक्त मेरे सामने 2 लैपटॉप खुले हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा उसको मॉनिटर करने के लिए, तो वो सवाल भी मैं कोशिश करूंगा उन तक पहुंचाने के लिए। मेरी गुजारिश है कि दौरान तकरीर आप डॉक्टर साहब को जहमत ना दें, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभर कर आता है तो उसका डॉक्टर साहब आपको जवाब इनायत फरमाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अब जिम्मेदारी संभालें। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब, मैं 1 मिनट ले रहा हूं, फिर से वापस माइक पे आऊंगा इंशाल्लाह। जिसमें मैंने कहा कि ये हमारे लिए पहला तजुर्बा था, अभी मुझे इंटीमेशन दिया गया कि काफी लोग वेटिंग में थे जिसको एडमिट करना था, मैंने सबको एडमिट ऑल कर दिया है और इस वक्त
हमारी फेरिस्त काफी तवील हो चुकी है, इंशाल्लाह फिर से एक बार मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन केस इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ज्वाइनिंग जूम यू आर वेलकम टू ज्वाइन थ्रू फेसबुक www.facebook.com/alnoorinstitute/alnoorinstitute ALNOORINSTITUTE। मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर तकी आबेदी से कि वो अब जिम्मेदारी को संभालें। डॉक्टर तकी आबेदी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत अच्छी तरीके से साफ है। अच्छा, तस्वीर भी आ रही है? जी आ रही है। तो सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, मोहतरम जाहिद अली खान साहब को सलाम, और सरपरस्ते ऑल इंडिया आपके नहजुल बलागा सोसाइटी डॉक्टर शौकत मिर्जा साहब आपकी मोहब्बतें, और डॉक्टर हैदर रजा भी शायद ज्वाइन होंगे उनको भी मेरा सलाम, तमाम अराकीन को मेरा सलाम। आज हम बहुत अहम बात कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि अगर दूसरे लोग अगर म्यूट हो जाएं तो मेरी गुफ्तगू में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, अगर आप दूसरों को म्यूट कर दें और क्वेश्चन आंसर के वक्त जो है सिर्फ इनको वो करें, ये पॉसिबल है? जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस पुराशुभ दौर में जबकि वायरस वो भी है, यानी जी तो मेरी आवाज आ रही है आपको, तो मैं अर्ज ये कर शौकत भाई अगर आप मुझे को होस्ट बना दें तो आई ट्राई टू म्यूट एवरीवन एल्स सो दैट थैंक यू। तो चलिए आपके मेरी आवाज तो आ रही है आपको, तो मैं आज जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। तो मैं आज ये कर रहा था कि आज के इस दौर में के अशरफुल मखलूकात यानी कायनात का सबसे अजीम मखलूक शाहकार इंसान को एक सबसे मामूली जानदार ने वायरस ने चैलेंज कर दिया, ये बताकर कि तुम कितने भी तरक्की के जीने तय कर लो, ये जो वायरस अटैक कर रहा है ना तबकात पर, ना उम्र पर, ना रेस पर, किसी चीज को नहीं देखता है, सिर्फ इंसान होना और इंसान को अटैक करता है। तो ये बड़ा दर्स है इस जमाने में। हम उस किताब नहजुल बलागा पर बात करने वाले हैं जो कुरान मजीद और अहादीस रसूल के साथ मोतबर तरीन सहीफा है जो आज की दुनिया में हमारे दरमियान मौजूद है। दरिया बह रहा है, हर एक शख्स जो चाहता है अपने जहनों की खुश्क जमीनों को सैराब करे, नहजुल बलागा उनके लिए हाजिर है। मैं ऑल इंडिया नहजुल बलागा सोसाइटी का तहे दिल से ममनून हूं कि इस 21वीं सदी के 2020 में वो ये वेबिनार
मुनाकिद कर कर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नहजुल बलागा जो हजरत अली के खुतबात हुक्मनामे खतूत वसीयतों दुआओं और अखवाल का जर्रीन मजमुआ है, आज दुनिया की तमाम अहम और राइजुल वक्त जमानों में तर्जुमे के साथ मिलता है। हम लोग जो उर्दू जबान है खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये जखीरा उर्दू में मौजूद है। नहजुल बलागा को सैयद रजी शरीफ ने सन 400 हिजरी में तालीफ किया और इसका नाम नहजुल बलागा रखा। नहजुल बलागा इस वजह से रखा कि जब सैयद रजी शरीफ इसको तालीफ कर रहे थे, मौला अली के और बहुत से खुतबात उनके पास थे, लेकिन उन्होंने वो खुतबात को इसमें जगह दी जिसमें बलागत और फसाहत थी। तो आप देख रहे हैं कि नहजुल बलागा, मैं चाहता हूं कि ये बताऊं कि नहजुल बलागा में जो सन 400 हिजरी में सैयद रजी शरीफ ने तालीफ किया उससे पहले, यानी मौला अली का की वफात सन 40 हिजरी में, तो ये जो 360 बरस का जो वक्फा है इसमें कम से कम 80 किताबें उस वक्त तक मौजूद थी जिनसे सैयद रजी ने इस्तेफादा किया। और तो इस नहजुल बलागा में क्या है, इस नहजुल बलागा में 249 खुतबात हैं, एक कम 80 खतूत हैं। हुक्मनामे वसाए और दुआओं के अलावा 475 से ज्यादा मौला अली के अखवाले जर्रीन। मैं चाहता हूं कि कुछ गुफ्तगु सैयद रजी पर भी हो जाए, शरीफ रजी पर, कि ये दो भाई, इनके बड़े भाई सैयद मुर्तुजा जो इनसे 4 साल बड़े थे, और वो भी सैयद रजी की तरह से अदीब थे, शायर थे, जीनियस ऑफ टाइम थे। इनकी मां ने ये दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर तालीम और तरबियत के लिए शेख मुफीद के हवाले किया था जो मुश्तहिद आजम थे, और शेख मुफीद ने अकायद और मजहब की तालीम उन्हें दी। तो सैयद मुर्तुजा बगदाद में पैदा हुए और बगदाद ही में दफन हुए, लेकिन मौलिफ नहजुल बलागा सैयद रजी शरीफ जो बगदाद में पैदा हुए, जो 4 साल अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से छोटे थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दफन हुए। इन्होंने उम्र कम पाई, 47 साल की उम्र में सैयद रजी दफन हुए, और 7 साल पहले यानी 40 साल की उम्र में इन्होंने नहजुल बलागा तालीफ। तो नहजुल बा तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों भाई इस लिहाज से जीनियस थे कि उस जमाने में, ये एक जुमला ये भी बता दो क्योंकि हमको नहजुल बलागा पे बात करना है, क्योंकि नहजुल बलागा पर बहुत से एतराजात भी हुए हैं और बहुत सी गुफ्तगू हुई है जिसको हम बहुत ही आहिस्ता से
उस जमाने में बनी अब्बासिया और बनी फातिमी जो मिस्र में थे, इन दोनों से ताल्लुकात थे। इनके ताल्लुकात इस तरह से थे कि दोनों हुकूमतें इनका एहतराम करती थी, इनकी अदब और अदब नवाजी शरीयत और जबान पर। तो जब बनी अब्बासियों ने कहा था, एक मदरक पेश किया कि आप इसमें सिग्नेचर कर दीजिए कि आप खिलाफ हैं बनी फातिमी के जो मिस्र में थे, तो इन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो इनका जो खिताब था नकीब उसको ले लिया गया, इनकी जागीरें वगैरह जो थी वो जब्त कर दी गई, लेकिन हुकूमत जो है इतनी पशेमान हुई कि फौरन बाद में इन चीजों को वापस कर दिया गया। यह है इल्म का पावर। मसला यह है कि क्या तमाम खुतबात मौला अली के जमा हुए? बड़े भाई सैयद मुर्तजा कहते हैं कि सैयद रजीक जब ये खुतबात को तालीफ कर रहे थे तो हमारे पास 400 खुतबात मौजूद थे। अब हमारे पास नहजुल बलागा में 250 के करीब खुतबात थे, तो आधे से कम खुतबात जाया हो गए। ये खुतबात मौला अली कब देते थे? ये मौला अली खुतबात हर वो महफिल में देते थे, जुमे की नमाज के बाद देते थे, ईदैन पर देते थे, जब कभी असहाब कुछ कहते देते, खुद मुख्तलिफ उलमा ने लिखा है कि वो पूरी लिस्ट है कि 500 के करीब खुतबा जो 80 किताबों में थे, किसी को 80 खुतबात याद थे, किसी को 100 खुतबात याद थे, हिफ्ज करते थे लोग। उस जमाने में लोग हाफिज कुरान, हाफिज हदीस और हाफिज नहजुल बलागा होते थे, क्योंकि ये खुतबात बलागत है, इसमें डीप गहराई और गहराई है, इसमें जात कायनात और मालिक कायनात के बयानात हैं, रमज और रमूज के इशारे हैं, तो इसको तशरीह और शरा की जरूरत हुई अरबी में होते हुए भी। इस पर जो किताबें लिखी गई हैं, यह लिखा गया है कि एक किताब फारसी में अली दुआनी ने निगाह कुता बज़िंदगानी पुर इफ्तिखार सैयद रजी में कहते हैं कि अभी तक नहजुल बलागा की 380 से ज्यादा शरहें लिखी गई हैं और अगला बीस्तर ये अरबी में है। तो अरबी के खुतबात की अरबी में मौजूदगी ये बता रही है कि खुतबे कितने बलीग हैं। लेकिन तीन शरहें खुसूस से हमको याद करनी चाहिए। दो का ताल्लुक शिया उलमा से है और एक सुन्नी आलिम है। शराह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद ये बहुत ही मोतबर और उम्दा अहले सुन्नत के आलिम है। कमालुद्दीन इब्ने मैसम बहरानी, कुतुबुद्दीन रवावंदी ये दोनों शिया उलमा हैं और ये शरहें लिखी गई हैं, खदीम तरीन शरहें हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं जो तकरीबन 570 हिजरी से लेकर 650 हिजरी के दरमियान की हैं। हमारे पास मख्तूता इस वक्त जो सैयद रजी ने तालीफ किया था मौजूद नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं किताबें जलाने में, कुतुबखाने जलाने में, कुतुबखानों को पानी से मिसमार करने में और किताबों के जखीरों को नाबूद करने में, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि नहजुल बलागा का ओरिजिनल जो मैनस्क्रिप्ट था वो हमारे दरमियान नहीं है। उससे कोई मसला नहीं है, छप चुका है नहजुल बलागा। वो एक पूरी बहस है
कि नहजुल बलागा मौला अली का कलाम है जिसको अगलब अक्सर बैनुल फरकैन नहीं बल्कि बैनुल मजहबैन लोगों ने इसको माना है कि यह बलागा सिर्फ अली की है, ये खुतबात मौला अली के हैं और ये उस जमाने से हैं जब मौला अली जिंदा थे, उन किताबों में हैं जो सैयद रजी की तालीफ से 80 किताबों में मौजूद थे। अगर ना समझें फिर भी एक ऐसी किताब है जो कुरान मजीद और अहादीस पैगंबर अकरम के साथ मिलाकर आप देखें तो आपके जहन को रोशन कर देगी, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास अगर सहीफे सज्जादिया है या सहीफे कामेला है या चौथे इमाम की अदाया और दुआओं का मजमुआ है तो नहजुल बलागा इस वक्त एक ऐसी किताब है, एक ऐसी खुतबात की किताब है जिससे इस्तेफादा बहुत जरूरी है। तो ये किताबें कहां से जानी, तालीफ किस तरह से हुई? तालीफ जो हुई है यानी दारुल इल्म एक कुतुबखाना था जो इनके बड़े भाई का था सैयद मुर्तजा का, जिसमें 80,000 किताबें थी, जिसमें खुद बनी फातिमी के जो अजीम जो अदीब थे वो कहते हैं कि इनके पास 10,000 से ज्यादा खलमी मख्तूतात और हैंड मैनस्क्रिप्ट थे, उससे ये चीजें बनाई गई। बाज लोगों ने एक रिवायत चली कि कहा कि जी ये सैयद रजी का कलाम है, तो मैं ये कहता हूं सैयद रजी नौकर हो चाकर हो मौलाए कायनात का, अगर उसका कलाम यह है तो फिर मौला अली का कलाम क्या होगा? और कोई मानी नहीं। हमको ये सोचना है तहकीकात के बाल की खाल निकालने से पहले इससे इस्तेफादे की कोशिश कर हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। नहजुल बलागा इंसानियत के बारे में बात करता है। ये भी बात बता दूं कि नहजुल बलागा को पूरी तरीके से मुस्तनद साबित करने में हमारे इंडिया के अहले सुन्नत के सबसे अजीम रामपुर के, आप जानते हैं कि रामपुर लाइब्रेरी की पूरी जिंदगी अर्शी साहब ने गुजार दी। अर्शी साहब का काम देखिए नहजुल बलागा, उन्होंने पूरी तरीके से साबित किया है कि नहजुल बलागा इमाम अली की खुतबात का मजमुआ है। मैंने किताब आज से 20 साल पहले लिखी जो मेरी वेबसाइट पर मौजूद है www.drtaqiabedi.com अदबी मौजिजा। मैंने पूरा चैप्टर बनाया है जो अर्शी साहब ने बताया है पूरा जदवल से। नहजुल बलागा 400 हिजरी से लेकर 1400 हिजरी तक, और अर्शी साहब ने पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि अली के सिवा और कोई किसी का कलाम हो ही नहीं सकता। तो ये नहजुल बलागा जिसमें बहुत से खुतबात ऐसे हैं, हमारे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सैयद रजी के बाद उनके शागिर्दों वगैरह ने उर्दू में जो हुआ है, उर्दू में आप जानते हैं कि अंसार हुसैन माहौली साहब ने उर्दू तर्जुमा, अगरचे कि हमारे पास 3-4 बड़े उलमा ने और जाफर साहब ने, मुश्तहिद ने
और हमारे फाजिल लखनवी ने नाम छूट रहे हैं और सैयद मोहम्मद अस्करी जाफरी ने अंग्रेजी वगैरह में हमारे पास हम लोगों के लिए नहजुल बलागा के उर्दू तर्जुमे किए हैं और ये जो नहजुल बलागा इंटरनेशनल सोसाइटी इंडिया की है इसका मैं दस्त को मैं चूमता हूं कि ये और इनके अराकीन ने हम तक ये चीजें फैलाई हैं। सवाल ये उठाए जाते हैं कि क्या एतबार है भाई, उस जमाने में तो कोई आपके ऑडियो टेप नहीं था, लेकिन उस जमाने में लोग जैसा मैंने अर्ज किया कि हिफ्स कर लेते थे। आप देखिए 475 से ज्यादा अख़वाल ज़र्रीन मौला अली हैं। एक कौल है आज के कोविड के लिए, हिम्मत करो बीमारी में जहां तक हो सके हिम्मत करो, डोंट गिव अप, मौला अली का कौल है। और हम जो मैं 45 साल से फिजिशियन हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इम्यूनिटी जो होती है इंटरनल वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी हिम्मत पर भी रहती है। 1400 साल पहले मौला अली ने कहा हिम्मत करो, इसी को फैज अहमद फैज ने, शायद उनको मालूम नहीं कि यह मौला का सुखन है, एक अपनी नज्म में कहा हिम्मत करो तो जीने को एक उम्र पड़ी है, हिम्मत करो तो जीने को एक उम्र पड़ी है। मौला अली कहते हैं हिम्मत करो, मौला अली फरमाते हैं अक्ल, देख रहे हैं आपके आखिल की जबान उसके दिल के पीछे, दिल क्या है, दिल जज्बात है, दिल एक ऐसा फर्जी एहसास है जो विजदान और जमीर और गुफ्तगू और दिल और दाखिलियत से मरबूत है। मौला अली फरमाते हैं अकल की जबान उसके दिल के पीछे और अहमक का दिल उसकी जबान के पीछे होता है। यह है बलागत का जुमला, सोचिए तो जीने का राज मिल जाएगा। हम जो कहते हैं कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, मौला अली फरमाते हैं अख़वाल में, मैं इस छोटी सी अपनी गुफ्तगू में पहले कुछ अख़वाल ज़र्रीन पर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद उनका उनके दो खुतबों पर एक खत पर गुफ्तगू करूंगा और एक खुतबे पर तवीलाना गुफ्तगू करूंगा। सब्र की दो किस्में हैं मौला अली फरमाते हैं, नापसंद चीज पे सब्र, क्या जुमला है, यानी एक शख्स आपके लिए ऐसा कर रहा है, आपके खिलाफ बात कर रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते, आप जो है उसको नफरत आपके दिल में नहीं आई, नापसंद चीज पे सब्र। और दूसरा सब्र क्या है, महबूब चीज के ना मिलने पर सब्र। मैं चाहता हूं कि ये जॉब मुझे मिले, मैं चाहता हूं कि ये मुझे बड़ी आपके जो है दौलत मिले, नहीं मिलती, सब्र करो। सब्र की दो किस्म, ना पसंद चीज पे सब्र और पसंद चीज के ना मिलने पर सब्र, बलीग जुमला। एक छोटा सा जुमला मौला ने एक जर्रीन खौल कह दिया, माल ख्वाहिशात का सर चश्मा है। सिकंदर तो गया दोनों हाथ खोलकर, देवड़ियां रह गईं, लोग चले गए खाक में। मिर्जा दबीर ने कहा था कि बालाए जमी जिंदों की तामीरें हैं और जेर जमी मुर्दों की जागीरें हैं। इबरत का मुरक्का है अजब सफ़े जमी, इस वरख के दोनों तरफ तस्वीरें हैं। माल रह जाता है, माल ख्वाहिशात का सर चश्मा है।
जबान के बारे में आपने हजार चीजें सुनी होगी कि ये जो हमारी जबान है जिससे हम दोस्त भी बनाते हैं दुश्मन भी बनाते हैं। इमाम ने फरमाया जबान दरिंदा है अगर उसे छोड़ दो, लगाम में रखो जबान। जिस तरीके से दरिंदे को संभाल के रखा जाता है जबान को उसी तरीके से इस्तेमाल करो। आज हम गर्व में पढ़ रहे हैं, मैं 40 साल से बाहर, आज हम मोहताज हैं पूरी इनकी तालीम में, हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। इकबाल ने कहा था मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, फितरत का तकाजा है कि हर शब को सहर कर। मौला फरमाते हैं हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज है, तो हिकमत चाहे मुनाफिकी से मिले ले लो, जहां कहीं भी हिकमत मिले। इकबाल ने भी कहा है हिकमत आपके जो है ये रहमत कसीर है, तो हिकमत जहां कहीं भी मिले, अगरचे के उसका देने वाला उसका पढ़ाने वाला उसका समझाने वाला मुनाफिकी क्यों ना हो, ले लो। इस वजह से कि इट इज बिलोंग्स टू यू, ये तुम्हारी है, तुमने खो दिया है इसे। एक मौला अली का कौल लेते जाइए, एक ही जुमले में फरमाते हैं हु इज वाइस, आखिल कौन है, विजडम कौन है। एक ही जुमला कहा मौलाना, आखिल वो है जो हर चीज को उसके मौके पर इस्तेमाल करे। क्या जुमला, क्या बलागत है, नहजुल बलागा के आप अक्वाले जर्रीन देख रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि आखिल वो है जो हर चीज को उसके मौके पर इस्तेमाल करता है। पूछने वाले ने कहा मौला जाहिल, मौला ने कहा कह दिया, यानी इसको पलट लो, जाहिल वो है जो हर चीज को गलत मौके पर इस्तेमाल करता है। और अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, ऐबों को छुपाने वाला, बंदों को भी इसी की ताकीद की सिफात में छुपा लो। हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़ा ऐब वो है जो तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद हो, यानी यू हैव दैट, आप में वो ऐब है, फिर आप उसी ऐब को दूसरे के लिए बता रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ऐब। एक जगह कहते हैं अभी तक तो यही था कि खामोशी बड़ी चीज होती है, खामोशी बड़ी चीज होती है, ठीक है मौला अली ने भी फरमाया है, लेकिन एक जगह कहते हैं बोलो, टॉक, बोलो के पहचान लिए जाओ, बोलो के पहचान लिए जाओ, क्योंकि इंसान जबान के पर्दे में छुपा है। जब तक के हम बात ना करेंगे, जब तक के हम डिस्कस ना करेंगे, जब तक के हम आपके जो है मुजाकिरा ना करेंगे, हम नहीं समझ सकेंगे। बोलो के पहचान लिए जाओ कि इंसान जबान के पर्दे में छुपा है। आखिरी, वैसे तो 475 वो हैं, मैं सिर्फ 10 पेश कर रहा हूं, 10-12। अखलाक की कमजोरियां हिल्म से छुपाओ, हम्बलिटी, और ख्वाहिशात को अक्ल की तलवार से काटो। आपने देखा मौला अली क्या फरमा रहे। आइए, मैं जैसा आपको बताया कि 79 मौला अली के खतूत हैं, लेकिन 1400 साल पहले इस्लामिक खलीफा इमाम अली ने ऐसा दस्तूर हुकूमत दिया है कि काश आज की यूनाइटेड कौमें समझ सकें। मालिक अश्तर जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बाद गवर्नर बनाए गए, उनके लिए एक तवील खत मिलता है नहजुल बलागा में, कभी वक्त मिले तो पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि हर शख्स अपनी जगह एक हुक्मरान छोटा सा होता, उसके फराइज
जहां कहीं भी दो लोग हों, चार लोग हों, या 400 लोग हों, या 4000 लोग हों, या मिलियंस ऑफ पीपल हों, ये दस्तावेज है, ये दस्तूर हुकूमत है। अफसोस, चिराग तले अंधेरा है। यहां पर इंसान साजी है, यहां पर खुद साजी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यानी अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम अपने आप को पहचानो तो खुदा तक पहुंच जाओगे, खुदा को पहचान सकोगे, जो हदीस है उसको नज्म किया था। जीने अव्वल शऊरे खीश्तन खीशरा दीदन बर नूरे खीश्तन, सबसे पहला अल्लाह की इबादत करने का या मोमिन बनने का स्टेप ये है, पहली सीढ़ी यह है, शाहिद अव्वल शऊरे खीश्तन, के अपनी जमीर की रोशनी में अपना मुहासिबा करो। शाहिदे सानी शऊरे दीगरी खीशरा दीदन व नूरे दीगरी, और दूसरा स्टेप यह है कि तुम जानने की कोशिश करो, अपना मुहासिबा करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। शाहिदे सालिस तीसरा जीना, तीसरा स्टेप, शऊरे नूरे हक खीशरा दीदन व नूरे नूरे हक, शरीयत में, तरीकत में, इस्लाम के उसूलों में अपने आप को तोलो तो तुम जब जाके खुदा की जो है मर्जी पाओगे। कहते हैं, मैं चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं इसके। कहते हैं कि मालिक अश्तर को यह हुक्म है, अल्लाह के बंदे अली अमीरुल मोमिनीन ने जो मालिक बिन अल हारिस अश्तर को उसे मिस्र का गवर्नर बनाकर दिया, कुछ जुमले सुन लीजिए। ख्वाहिशों के मौके पर गवर्नर को कह रहे हैं, ख्वाहिशों के मौके पर अपने नफ्स को तोड़े, सरकशी के वक्त उसे रोके, क्योंकि नफ्स बुराई की तरफ ले जाता है, मगर यह कि खुदा का रहम आदमी के शामिल हाल होता है। आज आप देख रहे हैं नहते लोग पुलिस के हाथ से मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सरकशी के वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर रहे। ऐ मालिक सुन, मैं तुझे ऐसे मुल्क में भेज रहा हूं जिस पर तुझसे पहले भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, आदिल भी और जालिम भी। लोग तेरी हुकूमत को भी इसी नजर से देखेंगे जिस नजर से तू अगले हाकिमों की हुकूमतों को देखता था, और तेरे हक में भी वही कहा जाएगा जो उन हाकिमों के हक में कहा जाता है। बीवेयर, समझो, लिहाजा तेरा दिल पसंदीदा जखीरा अमल साले का जखीरा हो। अमल साले एक किताब है पूरी, जिसमें पूरी चीजें आ जाती। अपने दिल में रियाया के लिए रहम मोहब्बत लुत्फ पैदा करना, और वो अपनी कामयाबी दिखाना। कहां है आज की दुनिया में ये चीज? नहजुल बलागा की आज के दौर में जरूरत है, अली के हुक्म की जरूरत है। अगर ये अडॉप्ट कर लें आज की 200 मुल्क, तो कहां पर ये खतलो गारत होगा? रियाया में दो किस्म के आदमी होंगे, तुम्हारे दीनी भाई या मखलूक खुदा होने के लिहाज से तुम्हारे जैसे आदमी। लोगों से गलती तो होती है, जानबूझ के या भूले चौके से ठोकरें खाते रहते हैं। तुम अपने अफू व करम का दामन खताकारों के लिए इस तरह फैला देना जिस तरह तुम्हारी आरजू है कि खुदा तुम्हारी खताओं को अपने दामन अफू व करम से फैला। मेरे मौला, आपके सदके गवर्नर को दिया जा रहा है जो उस जमीन का सबसे अहम चीज है, खलीफा मुस्लिमीन, खलीफा पैगंबर अकरम अली कहते हैं। कभी ना भूलना कि तुम रियाया के अफसर हो, खलीफा तुम्हारा अफसर है, और खुदा खलीफा के ऊपर हाकिम है। खलीफा ने तुम्हें गवर्नर बनाया है, और मिस्र की तरक्की व असला की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। यह है नहजुल बलागा।
ये है मनहज उल बलागा की अहमियत आज के दौर 2020 में। अफू पर कभी नादिम ना होना, सजा देने पर कभी शेखी ना बघारना, गुस्से आने पर सब्र करना, खबरदार रिया से कभी ना कहना कि मैं तुम्हारा हाकिम बना दिया गया और अब मैं भी जो कुछ हूं सब कुछ मेरी ताबेदारी करनी है, ये जुमले ना कहना। आप देख रहे हैं, याद रखो जो कोई खुदा के बंदों पर जुल्म करता है तो खुदा खुद अपने मजलूम बंदों की तरफ से जालिम का हरीफ बन जाता है। यानी अगर तुम लोगों के खिलाफ जुल्म कर रहे हो तो खुदा खुद बंदों की तरफ से तुम्हारा जो है मुखालिफ हो जाएगा। तुम्हारी मजलिस में सबसे ज्यादा और तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा मकरूह वो शख्स होना चाहिए जो लोगों के ऐब ढूंढा करता है। लोगों में ऐब तो होते हैं, ये काम हाकिम का है कि उनके ऐब ढांके। खबरदार छुपे हुए ऐबों की कुरेद ना करना। मौला अली का खुतबा, यहाँ पे तो CID लगाई जाती है, यहाँ पे तो मुखबिर पैदा किए जाते हैं, यहाँ पे तो पूरी आपके इंफॉर्मेशन, तो दुनिया में सुकून कैसा होगा? इस वक्त दुनिया अगर सुकून चाहती है तो नहजुल बलागा की तरफ रुजू करें। अपने मशवरे में बखील को शरीक ना करना, क्योंकि वो तुम्हें एहसान करने से रोकेगा। अपने मशवरे में बुजदिल को शरीक ना करना, क्योंकि वो मुहम्मत में तुम्हारी हिम्मत कमजोर कर देगा। अपने मशवरे में मरीज को हरीस को शरीक ना करना, क्योंकि जुल्म की राह से दौलत समेटने की तरगीब देगा। देख रहे हैं मौला अली का खुतबा। देखो अपनी फौज के मामले में होशियारी से काम लेना, उन्हीं लोगों को अफसर बनाना जो तुम्हारे ख्याल में अल्लाह के रसूल के और तुम्हारे इमाम के सबसे ज्यादा खैर खा हो, मोमिन हो, मर्द मुजाहिद हो, मर्द कामिल हो, मर्द यकीन हो। यहाँ पे मुनाफिक की गुंजाइश नहीं है। आप देख रहे हैं हर महकमे का एक सदर मुकर्रर करो, महकमे के तमाम कामों को अपने हाथ में रखो और मुश्किलात से बदहवास ना हो। याद रखो तुम्हारे मुंशियों में जो ऐब होगा वो तुम उससे चश्मपोशी करोगे तो ऐब तुम्हारे खुद तरफ आ जाएगा। ये भी याद रखो कि इस मजलिस में अवाम ही जमा होंगे, अगर बदतमीजी से बात करें या अपना मतलब साफ बयान ना कर सकें तो खफा ना होना, बर्दाश्त कर लेना, खबरदार तौबीख ना करना, मेरी वसीयत पर अमल करना, रोज का काम रोज खत्म कर देना क्योंकि हर दिन के लिए उसी का काम बहुत होता है। अपने वक्त का सबसे अफजल हिस्सा अपने परवरदिगार के लिए खास कर देना इबादत, क्योंकि असल चीज जो है वक्त का अल्लाह के साथ। अगर सब वक्त अल्लाह ही के है बशर्ते के नेक नियत हो और रियाया को इस नेक नियति से सलामती हासिल हो। देखो जब इमामत करना तो ऐसी नहीं कि लोग नमाज ही से बेजार हो जाएं, यानी नमाज भी पढ़ाओ तो ऐसी पढ़ाओ कि देखो कि जो सबसे कमजोर आदमी है वो टॉलरेट कर सके उसको। सुलह के बाद दुश्मन से खूब चौकस रहना, खूब होशियार रहना, बेखबरी में वो ना तुम पर टूट पड़े। खबरदार ना हक खून ना बहाना, क्योंकि खूनरेजी से बढ़कर बदअंजाम नेमत का ढाने वाला, मुद्दत को खत्म करने वाला काम क़यामत के दिन जब खुदा का दरबार लगेगा तो सबसे पहले खूने नाहक के मुकदमे पेश होंगे। आप देख रहे हैं इस 220 में किस तरीके से आपके ब्लैक लोगों का खून नाहक बहाया जा रहा है। नहजुल बलागा इसका रास्ता है। खबरदार अहद पैमा में कोई धोखा कोई खूट ना रखना, मुआहदे की इबारत ऐसी ना हो कि लोगों में मुहिम ख्याल तालिब हो जाए। जल्दबाजी से काम ना लेना, हर मामले इस वक्त पर हाथ रखकर सोचना, बहुत बड़ा वक्त। मैं तो कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। एक समंदर है ज़ख़्वान, एक ही खत है, वैसे 79 खतूत हैं, वैसे 249-250 आपके खुतबात हैं, 475 अख़वाल हैं। ये रोशनी रखकर मुसलमान बदबख्त। कुरान मजीद तो दुआओं की किताब हो गई,
उसकी हवा दी जाती है बीमार को। हदीसों को तो मसाइल में कुछ छोड़कर, कुछ जोड़कर, कुछ तोड़कर, कुछ मोड़कर पेश किया जाता है। और ये जो नहजुल बलागा को क्लेम करने वाले लोग हैं, फिरका इमामिया, वो नहजुल बलागा से क्या इस्तेफादा कर रहे हैं? ये खुद सवाल है। दूसरों पे, दूसरों को कहना, आपके दूसरी मिल्लतों को कहना, मुसलमान दूसरे मिल्लतों से कहें आपके जो है, पहले आप क्या कर रहे हैं? कितनी हमारी महाफिल में गुफ्तगू होती है जो हम आज थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक खूबसूरत खुतबे की तरफ ले जाता हूं। बलागत है ना, और मैं अदीब हूं, मैं शायरी से शौक़ रखता हूं, शेर भी कहता हूं। एक खुतबा है जिसको खुतबे बेअलिफ कहा गया, एक खुतबा है उसी को खुतबे इबरत कहा गया, एक खुतबा है जिसको खुतबे मौजिजा कहा गया। उसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ हमारे पास उर्दू में है और उसी पर अपनी जो है गुफ्तगू को सवाल जवाब के लिए रखता हूं। हुआ ये खुतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन के मौजिजात में शुमार किया जाता है। इस खुतबे में अव्वल ता आखिर एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसमें अलिफ हो, यानी मौला अली ने फिल बदी, हालांकि जबान अरबी में अलिफ ऐसा हर्फ है जो सबसे ज्यादा मुस्तमिल है, उर्दू में भी अलिफ ऐसा लफ्ज है जो सबसे ज्यादा मुस्तमिल है, तो अगर कोई बात करे बगैर अलिफ के तो बात मुमकिन नहीं है। मौला अली खुतबा दे रहे हैं, इसका नाम है खुतबा मौजिजा, इसका नाम है खुतबा इबरत, क्योंकि इसकी मंतिक जो है इबरत से है, इसी को खुतबा आपके बगैर अलिफ भी कहते हैं। आप देख रहे हैं मतालिबुल सूर में लिखा है, एक रोज रसूल करीम और चंद अहबाब एक मुकाम पर जमा थे और बहस शुरू हुई कि हुरूफ़ तहजी में, अल्फाबेट्स में कौन सा हर्फ ऐसा है जिसके बगैर कोई जुमला पूरा नहीं हो सकता, वो अल्फाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। सब ने इत्तेफाक किया कि अलिफ के बगैर कलाम करना नामुमकिन है। इस महफिल में हजरत अली भी मौजूद थे। ये सुनते ही आप खड़े हुए और फिल बदी खुतबा शुरू किया। पूरा खुतबा बगैर अलिफ का है, उसका तर्जुमा देख लीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा उसके साथ। हम्द करता हूं मैं उसका जिसका एहसान अजीम है, उर्दू तर्जुमा कर रहा हूं, जिसकी नेमत वसी और कामिल है और उसकी रहमत उसके गजब पर सबकत रखती है। इसी खुतबे का हमारे पास उर्दू के दो उलमा ने, एक आयतुल्लाह सरकार जफरुल मिल्लत ने उर्दू में भी इसी सनत में बगैर अलीफ के उसका तर्जुमा किया है। मुस्तहक हम्द है वो माबूद जिसकी अस्मत कैज मिन्नत, मुकम्मिल नेमत, गजब से बड़ी हुई रहमत, हमागीर मशीयत, मुहीते हुज्जत, दुरुस्त फैसले मुझे दावते हम दे रहे हैं। हम माबूद ही से रुश्द ओ मदद ओ रहबरी के मुतमन्नी हैं, वही हस्ती हम सब के लिए मरकज़े तदय्युन वो मौजूबे तवक्कुल है, अब्द मुखलिस की तरह हम वजूदे माबूद के मुखर हैं, मोमिने मुत्तकीन की तरह मुतफर्रो समझते हैं, मजबूत अकीदा बंदे की तरह फर्द फरीद तस्लीम करते हैं कि न कोई मुल्क में शरीक है न सनदगरी में दस्तगीर। आगे मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा, जिसकी रहमत लंबी चौड़ी खुबूल सूरत जन्नत है, जिसकी उकूबत वसी वो मोहलका खेस दोजख है, मेरी हस्ती बासे मोहम्मद की मिजदाक है, जो रसूल अरबी अब्द हकीकी बरगुजदे नबी शरीफ खसलत हबीब व खलील हैं, वो हजरत बेहतरीन अब्द मगर कुफ्र व बेअमली के दौर में मनसब नबूवत पर मुतमक्किन हुए। छोड़ के पढ़ रहा हूं एक और उर्दू का तर्जुमा जो इसी सनद में जो बे अलीफ है, जर्रार
रजवी ने किया। तो फिर बहुत सी वहशतनाक वो मौरूसी इज्जत और तौखीर भी बड़ी नेमत है। बुजुर्गों की तालीम और तरबियत तेज सेहतमंद गुज़िश्ता मौजूद इल्मी तस्करे को बुलंद रखे। मैंने ये पढ़कर अब मैं ये चाहता हूं कि आपको उसका तर्जुमा जो आम जबान में है उर्दू की वो सुनाऊं और उसके बाद इसका हालात बयान करूं कि ये हम्द सना के बाद मौला अली फरमाते हैं, ए हाजरीन मजलिस, मैं तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म सुनाता हूं जो मुझे पहुंचा है और वसीयत करता हूं और तुम्हें तुम्हारे पैगंबर की सुन्नत याद दिलाता हूं। तुम्हें चाहिए कि खुदा से डरो ताकि तुम्हें इत्मीनान कल्ब हासिल हो और खुदा से ऐसा डरो कि आंखों से आंसू जारी हो जाएं और ऐसी परहेजगारी अख्तियार करो कि तुमको निजात दिलाए कबल इसके कि आजमाइश का दिन आ जाए और तुम परेशानी में गुम हो जाओ। याद रहे यह खुतबे इबरत है, यानी मरने के बाद जो हमारे हालात होंगे उस पर मौला अली ने कहा। इस रोज वही शख्स रस्तगार होगा जिसके सवाब का पल्ला भारी और गुनाहों का पल्ला हल्का होगा। तुमको चाहिए कि जब भी इससे दुआ करो तो बहुत ही आजिजी और गिड़गिड़ा के तोबा और खुशामद और जिल्लत के साथ करो और दिल से गुनाहों का ख्याल दूर करके नदामत की तरह खुदा की तरफ रुजू करो। तुमको चाहिए कि बीमारी से कब्ल सेहत को और बुढ़ापे से कब्ल, मौला कहते हैं आजकल के दौर के लिए बीमारी से कब्ल सेहत को बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक्सरसाइजेस करो, प्रिवेंशन करो। तुमको चाहिए कि बीमारी से कब्ल सेहत को बढ़ाओ, जवानी को फख्र से पहले फराग बाली और सफर से पहले हजर को और काम में मशगूल होने से पहले फरागत को गनीमत जानो। ऐसा ना हो कि पीरी आ जाए और तुम सबकी नजरों में जलील और खार हो जाओ या मरज हावी हो जाए और तबीब रंज में मुब्तला करे और अहबाब रूगरदानी करे, उम्र मनखता हो जाए और अक्ल में फतूर आ जाए। प्रोटेक्शन हिफ्जान सेहत अली के खुतबे इबरत में। फिर कहा जाए कि बुखार की शिद्दत से हालत खराब हो गई और जिस्म लागर हो गया, फिर जान कनी की सख्ती होती है और करीब व बईद का हर शख्स उसके पास आता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पुतलियां फिर जाती हैं, पेशानी पर पसीना आता है, नाक टेढ़ी हो जाती है और रूह कब्ज हो जाती है, उसकी जौजा रोने पीटने लगती है, खबर खोदी जाती है और उसके बच्चे यतीम हो जाते। खुतबा इबरत। इसके अलावा यानी उसके साथी मुतफर्रिक हो जाते हैं, आजा शिकस्ता हो जाते हैं और बीनाई व समाज जाती रहती है, फिर उसको सीधा लिटा देते हैं और लिबास उठाकर गुस्ल दिया जाता है और कपड़े से जिस्म पोंछते हैं और खुश कर कर उस पर एक चादर डाल दी जाती है और एक बिछा दी जाती है और कफन लाया जाता है, उसकी छुट्टी बांधी जाती है और खमीज पहनाया जाता है और अमामा बांध कर रुखसत कर देते हैं और फिर जनाजा उठाया जाता है और फिर बगैर सजदा वो ताफीर के सिर्फ तकबीर के साथ उस पर नमाज पढ़ी जाती है और आहिस्ता तला कार और मजबूत महलों से और आहिस्ता से वो जो उसके महल थे, वो जो सोने के बिस्तर पर वो सोता था, मजबूत महलों से, नफीस फर्श वाले कमरों से जिसमें कारपेट बिछे हुए थे, लाकर उसको तंग लहद में डाल देते हैं और तह बतह ईंटों से कब्र बनाकर पत्थर से पाट कर उस पर मट्टी डाल दी जाती। मौला अली खुतबा इबरत। मगर किसी को मालूम नहीं होता, दोस्तों अजीज उसको छोड़कर पलट जाते और सब बदल जाते और मुर्दा कब्र में पड़ा रहता है और मिट्टी होने लगता है और उसके बदन पर कीड़े दौड़ते फिरते रहते हैं,
उसकी नाक से पीप बहने लगती है, उसका गोश्त खाक होने लगता है, उसका खून दोनों पहलुओं में खुश्क हो जाता है और हड्डियां बोसीदा होकर मिट्टी होने लगती हैं। वो रोजे क्यामत तक इसी हालत में रहता है, यहां तक कि खुदा फिर उसको जिंदा करके कब्र से उठाता है। जब सूर फूका जाएगा तो वो कब्र से उठेगा और मैदान हश्र नश्र में बुलाया जाएगा और उस वक्त अहले कुबूर जिंदा होंगे और कब्र से निकाले जाएंगे और उसके सीने के राज जाहिर किए जाएंगे और हर नबी सदीक वो शाहिद हाजिर किया जाएगा और फैसले के लिए रब कदीर अपने बंदों के हालात से आगाह है, जुदा जुदा खड़ा करेगा। फिर बहुत सी आवाजें उसको परेशानी में डाल देंगी और खौफ व हसरत से वो लागर हो जाएगा और बादशाह अजीम के सामने जो हर छोटे और बड़े गुनाह को जानता है डरता हुआ हाजिर होगा। उस वक्त गुनाहों की शर्म से इस कदर पसीना होगा कि मुंह तक आ जाएगा और उसको इसका खुल्क होगा और वो बहुत आहो फरियाद करेगा मगर कोई सुनवाई ना होगी और इसके सब गुनाह जाहिर कर दिए जाएंगे। तवील चल रहा, रुकता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैं परवरदिगार कदीर से पनाह मांगता हूं, वो मुझे हर मुजिर शय से शर से महफूज रखेगा और मैं इससे ऐसी माफी का खासकार हूं कि उसने किसी शख्स से राजी होकर उसको अता किया हो और ऐसी मगफरत चाहता हूं जो उसने कबूल फरमाई है। मैंने इस खुतबे का एक बड़ा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर दी मगर आप पूरा खुतबा पढ़िए। यह खुतबा मौजजा है क्योंकि इसमें अलिफ इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह खुतबा इबरत है क्योंकि इसमें इबरत की बातें हुई हैं। मैं एज ए अदीब आपको यह बताना चाहता हूं कि आज से 130 साल पहले, देखिए यहां पर लाहौर के एक जलसे शेरो सखन, ये अखबार लाहौर 1890 में 10 जून 1890 में ये खबर छपी कि वहां के जो शायर थे सैयद मोहम्मद नाजर हुसैन नाजिम ने इस हफ्ते में, ये अप्रैल, मैं आपको अखबारों की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ये रिपोर्ट 130 साल पहले 10 जून को थी, आज 14 जून 2020 है, ये 1890 10 जून की रिपोर्ट है जो दो अखबारों में छपी, एक आफ्ताब पंजाब लाहौर और दूसरा इंपीरियल पेपर लाहौर। इंपीरियल पेपर लाहौर में कहता है एक साहब थे जिनको नाजिमुल हिंद कहा जाता था, ये अखबार निकालते थे नाजिमुल हिंद, ही वाज अ जीनियस। ये सादात बाहरा से थे और ये लाहौर में जिंदगी गुजारते थे। इनको गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक किस्म का अटैची या इस किस्म का जर्नलिस्ट बना रखा था। इनका नाम था मोहम्मद नाजर हुसैन नाजिम और उन्होंने इस खुतबे का तर्जुमा किया, उम्दा शायर थे, इस खुतबे का तर्जुमा किया मजहरुल अजायब के नाम से और वो आज से 130 साल पहले शाया हुआ। इसका एक किताबचा मेरे पास पूरा मौजूद है, मजहरुल अजायब 1310 हिजरी, अब 1440 हिजरी है, मेरी लाइब्रेरी में इसका मख्तूता है। इसी की बिना पर मैंने आज से 20 साल पहले पूरी किताब अदबी मौजजा लिखा। ये जो शायर थे नाजिम, ये जिनका ताल्लुक मुजफ्फरनगर इंडिया से था, ये जो लाहौर में मुकीम थे, इन्होंने आपके ये किया। बस तो हुआ ये, इसमें उन्होंने वही सनद बरती, यानी शायरी में उन्होंने अलिफ इस्तेमाल नहीं किया, इसको कहते हैं खादरुल कलामी। तो यही जो इबरत का जो खुतबा था उसको जब गुस्ल दे चकें तो करें खुश्क सब बदन, मलबूस नौ व पहने ना फिर कुल अते कोहन, कपड़ों के बदले रंग ये बदले वो खस्ता तन, मलबूस तंग व चुस्त के बदले मिले कफन, तन को हुनूत इत्र के बदले नसीब हो, ठुडी बंधे कफन से तो सूरत अजीब हो, छोटी सी पगड़ी सर पे हो कफनी हो जेब पर,
लपटी हुई कफन से हो मैयत जिधर उधर जिधर तिधर, रुखसत करें अजीज वो करीब हो के नौहागर, मैयत को फिर वो लेके चले बस बचश में तर, मिलकर पए फरीजए मैयत नियत करें, जब पढ़ चुके हैं तो फिर तलबे मगफरत करें, घर से निकल के खबर में पहुंचे वो बेनसीब, जुल्मत लहद की देख के रोने लगे गरीब, हुजरे सजे हुए वो हुए ना मोनिस कोई करीब, परदेसी ये गरीब वो जुल्मत कदे अजीब, तस्कीन देने के लिए पहलू में दिल ना हो, जो संग व खिश्त व गिल कोई शय मुत्तसिल ना हो, मट्टी में दफन करके वहीं छोड़ दे में सब, जंगल में वो गरीब हो लौटे जो हम नसब, ये दोस्त वो जिन्हें वो करें गैर की तलब, वो बंद वो खबर तंग वो हर रोज रश के शब, चौकी को गर्द खबर के हसरत की गश्त हो, बस वो परी लहद की हो मरहूने दश्त हो। पूरा देखिए हमारे पास क्या क्या उर्दू के शोरा गुजरे जिससे हम बाखबर नहीं है। आप मेरी अदबी मौजूदा मैंने इसी वजह से लिखा कि नाजर हुसैन ने खुतबे इबरत को 130 साल पहले 10 जून को लाहौर में जब पढ़ा, मैं रिपोर्ट आपके पास पढ़ नहीं सका क्योंकि रिपोर्टें पूरी आपके जो है मैंने उस किताब में डाल दी हैं, तो उसमें एक महशर हुआ, इट वॉज बिकम ए हेड आपके जो है सुर्खी बन गई अखबार की वो, और फिर जर्रा रजवी ने भी इसको किया। उनके चार बंद पर गुफ्तगू को तमाम करता हूं ताकि उनका भी हक हो, उन्होंने भी इसको आज से 40 साल पहले, मौका मिले कभी तो गनीमत समझ संवर, पहले मरस के होने से सेहत की कद्र कर, पहले मरस के होने से। मौला अली फरमाते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले मरस के होने से सेहत की कद्र कर, पीरी के पीर होने से पहले हो मंजिलत, दौलत की कद्र कबल फकीरी है मसलहत, मशगूलियत से कबल की फुर्सत पे हो नजर, पहले सफर की कद्र की बेशक है हजर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मौजूद होंगे लोग भी नजदीक और दूर के, दीदे ठहर के देख रहे होंगे घूर के, होगी जबी पे होगी जबी पसीने से तर नाक कच कशीद, अगर कुछ सुकून मिले तो फकत चीख में शदीद, धोने के बाद खुश करेंगे वो पूछ कर, मैयत को फिर कफन में लपेटेंगे सर बसर, माबूद के हुजूर में बख्शिश की अर्ज है, यूं मगफरत करें कि तलब जैसे फर्ज है। आपने देखा वो है नहजुल बलागा। मैंने ये खुतबा इस वजह से इंतखाब किया कि इसमें बीमारी को हासिल करने से पहले सेहत के मसाइल पर अली गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने ये खुतबा इस वजह से आपके लिए वक्त किया कि इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर गुरूर और फायदा नहीं है। मौला अली वो चीजें बता रहे हैं खबर के अंदर की जो हमारी आंखों से ओझल, ये है खुतबा इबरत। 249-50 खुतबात, 475 अखबार, 80 से ज्यादा खतूत, एक दास्तान इंसान साजी है, नहजुल बलागा इंसान साजी का शहकार है। अकीदत से आप कुछ माने या ना माने, 1913 में जब मिर्जा दबीर पर साबित लखनवी ने मिर्जा दबीर पर हयात दबीर लिखी तो 1913 107 साल पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो उर्दू के और फारसी के प्रोफेसर थे हीरा लाल शैदा, जो हिंदू थे, उनसे कहा आप इस पर तकरीज लिख दीजिए, प्रीफेस लिख दीजिए, तो उन्होंने 17 सफ़े की प्रीफेस लिखी और उसमें ये जुमला कहा, ये दो जुमले सुनते जाइए। उसने कहा मैं आर्या समाज का मेंबर हूँ, 1913 107 साल पहले, अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि देखो मर्सिया पढ़ो, इस वजह से कि इससे तुम्हारी अखलाकी खतरे बढ़ेंगी, तुम अपना मबलग इल्म बढ़ाओ, दबीर के मबलग इल्म को कम मत करो, अगर तुम्हें
इन अवतारों के नाम से ज्यादा मोहब्बत नहीं है तो इस जगह अपने लक्ष्मण राम दूसरे नाम रख लो, मगर मर्सिया पढ़ो. 107 years back, Professor Hiralal Shaida ki printed hikayat maujood hai, preface maujood hai. To main bhi logon se yahi keh raha hoon, jinko aqida hai, wo aqide ke saath padhe, to do atisha ho jata hai. Quran Majid ko agar yeh samajh ke padha jaye ki yeh mere dil pe nazil hua hai. तेरे वजूद पे जब तक, तेरे जमीर पे जब तक ना हो नुजूल किताब. अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे बाप ने मुझसे कहा कि अकबाल इस तरह से कुरान मजीद पढ़ो जैसा कि तुम पे नाजिल हुआ है. तेरे जमीर पे जब तक ना हो नुजूल किताब, गिरा कशा है ना ना साहेब कशा. जब तक के मोमिन अगर हो और अगर ये समझ के पढ़ रहे हो कि ये मौला अली का खुतबा है तो वो तो हजार बराबर देगा. अगर इसको दूसरी तरीके से भी पढ़ना चाहते हो तो दैट इज ए फॉर्चुनेट पर्सन. बस यही कहते हुए मैं ये कहूंगा कि नहजुल बलाग सोसाइटी का मैं ममनून हूं. मैं अराकीन का नाम नहीं ले सका. मैं तमाम नाजरीन और सुनने वालों का भी ममनून हूं कि एक मौका मिला कि मैं मेरी वेबसाइट पर जरूर अदबी मौजजा देखिए. ये किताब आपके जो है एक महीने में दो महीने में आउट ऑफ प्रिंट हो गई. इसको फिर मैं शाया करूंगा इंशाल्लाह. एक ही आपके क्या कहते हैं फूल है, ऐसे गुलशन का नाम नहजुल बलागा है. बहुत बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे. बहुत शुक्रिया. हमने पिछले 5 सालों में तकरीबन हर साल 3 से 4 सेमिनार करते हैं, मगर जिस तरीके से आज हमारे मेहमान मुकर्रर डॉक्टर तकी आबिदी साहब ने नहजुल बलागा का एक क्या कहूँ इंतहाई मुख्तसर वक्त में जो खुलासा पेश किया है, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने सिर्फ तारुफ में पूरी नहजुल बलागा को पेश कर दिया, जिसमें खुतूत भी आ गए, खुतबे भी आ गए और जो कलमात खिसार हैं उसको भी उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ पेश किया है. हालांकि वक्त बहुत ही आपको मुख्तसर मिला. आपकी इजाज़त से मैं सामीन और नाजरीन को ये मौका देना चाहता हूँ कि इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्रॉबली 1, 2, 3 वी कैन टेक फॉर द स्पीकर टू रिस्पॉन्ड. गुजारिश करूँगा एक के बाद एक अपना माइक ऑन करें और वो सीधे सवाल डॉक्टर साहब से करें. अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये सैयद रज़ी का कलाम जो लोग कहते हैं मौलाए कायनात को, नहजुल बलागा को, ये जॉर्ज जद्दाख ने लिखा था कि जब मौलाए कायनात का ये खुतबा और कुरान मजीद की जब स्टडी किया था तो उसने कहा था कि ये कायनात जो बनी है ये कहने वाले ने या खुद बनाया है या कम से कम खड़े होकर देखा है बनते वक्त. तो ये जुमला सैयद रज़ी पे नहीं बैठता, ये सिर्फ मौलाए कायनात ही के लिए है. तो खुतबात मौलाए कायनात के ही हैं. ये मैं समझता हूँ जॉर्ज जद्दाख का ये जुमला काफी है ये साबित करने के लिए कि मौलाए कायनात ही का खुतबा है. वालेकुम अस्सलाम जी.
जी मसला यह है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई जी. और ताहा हुसैन और उनके ग्रुप ने मिस्र से इसकी बड़ी मुखालफत की है जी. और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अर्शी साहब ने इस पर काम किया है जी. इस पर ज्यादा से ज्यादा आपके मैंने अदबी अपने अदबी जो मौजूदा है उसमें 40 से ज्यादा रेफरेंस दिए हैं जिन लोगों ने ये साबित किया है कि ये मौला अली का एक कलाम है. यानी ये वो कलाम है कि अली के सिवा और कोई कह नहीं सकता. अगर मौला अली की दुआओं को देखा जाए, अगर आपके सहीफ़े कामिलिया की आपके दुआओं को देखा जाए, अगर कुरान मजीद की आपके जो है आयतों को देखा जाए, अगर हदीस पैगंबर की जो है कुदसी और गैर कुदसी आपकी हदीसों को देखा जाए, तो आपको मालूम होगा कि नहजुल बलागा भी इसी गुलशन का एक फूल है. ये उसी मासूमीन का ताल्लुक है जो जात हयात और कायनात के आपके जो है रुमुज से वाकिफ है. तो अकलमंद को इशारा काफी है. लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में हर शख्स अल्लाह को नहीं मानता, दुनिया में हर शख्स हुजूर अकरम की नबुवत को नहीं मानता. तो आप किस तरीके से आप इस चीज की कोशिश करेंगे कि हर शख्स नहजुल बलागा को पूरी तरीके से मान ले? मुनाफिकीन भी तो होते हैं. यकीन की मंजिल और है, शक की मंजिल और है. कोई मसला नहीं, नहजुल बलागा का नहज तरीका बता रहा है कि ये अली के सिवा और किसी का कलाम है. ये एक मर्तबा का वाकया है कि उमादुल मुल्क के बेटे जो हैदराबाद दक्कन के इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उस जमाने में रेसिडेंट आया था. ये 1930 के करीब का वाकया है. तो उसको लेकर मौला अली के पहाड़ पर गए. तो मौला अली के पहाड़ पर जब ये रेसिडेंट जो अंग्रेज था उसको लेकर जा रहे थे, तो उसने एक सवाल किया, मेहदी डू यू बिलीव दिस, कि ये मौला अली के हाथ का नक्श है. तो मेहदी अर्जंग ने उसका जवाब ये दिया, जिसका मैं उर्दू में ये कहूंगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं तहकीक करूं कि ये अली का निशान है या नहीं. अगर कोई एक जूता पुराना लाकर मुझे दे दे और कहे ये मौला अली का जूता है, तो मैं फौरन आंखों से लगा लूंगा, क्योंकि निस्बत हो गई है अली से. तो आशिक के लिए माशूक की निस्बत सबसे बड़ी चीज होती है. अल्लाह को आप अल्लाह को की को आप दिल से आप आंख से नहीं देख सकते, मगर अल्लाह को आप दिल की आंख जो बसीरत है, तो बसारत से अल्लाह देखा नहीं जाता, बल्कि बसीरत जो दिल की रोशनी होती है. आपसे मैं पूछता हूं कि आपके पास अल्लाह है, तो आप कहते हैं बिल्कुल है. कहता हूं कैसे है, बता नहीं सकते, मगर आप दिल की रोशनी से देखते हैं, दिल की आंख से देखते हैं. तो नहजुल बलागा पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि ये अली का कलाम है. इसको बसीरत की निगाह से देखिए. I can see that Dr. Sajjad Zaidi mic is on. Maybe he wants to say something. Dr. Sahab, mic aapke wale. Wo kehne se pehle main ye kahunga ki Dr. Sajjad Zaidi jo hai hamare senior hai. Sajjad bhai jo hai, he was a very famous handsome doctor at my time. Aur aapke jo hai ye pura khandan aapke hama aftab hai. Unke chote bhai bhi yahan par Kazim Zaidi bhi aapke jo hai roshni hamesha bikherte rehte hain. Boliye Sajjad bhai. It was a fantastic lecture. It was a quite enlightening, and really we have really really enjoyed it, especially the references what you have given, and the tarjuma and the translations what you have done for both the khutbas. It was really really enlightening, and thank you very much once again, Taqi. I was quite delighted attending this seminar. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. आप अगर किसी तरीके से, मैं प्रिंट करता हूँ फिर, अब अगर मेरी वेबसाइट पर अदबी मौजज़ा आप पढ़ लें, तो अदबी मौजज़ा एक छोटी सी 200 सफ़े की किताब है जिसमें नहजुल बलागा के तमाम रेफरेंसेस उसको मैंने जमा कर दिया है. ये 18-20 years back की किताब है. एक साल में ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई. अब मैं फिर इसको प्रिंट करूंगा, मगर आप उसको मेरी वेबसाइट पर पढ़िए, तो आप देखेंगे कि जो लोगों ने काम किया है उसकी जमावरी मैं कर चुका हूँ.
Inshallah, zarur. I will try to find it out and I'll just definitely sure. download it. Thank you, sir. Appreciate it, Sajjad bhai. Thank you. I would say, agar koi ek aakhri sawal hai to hum lete hain, because I need to invite guest of honor, Janab Zayed Ali Khan sahab. To hum ek sawal aur lete hain, uske baad hum guzarish karenge hamare aaj ke mehman se ki wo aapko mukhatib kare. Ek boliye. Hello, may I ask one question? Yes, please. Yes, go on. Abhi zikr ho raha tha ye kuch itrazat ka ki ye Maula Ali ka qaul aur ye khutbat nahi hai. To udhar se itrazat hote hain aur hamari taraf se aapne Arshi sahab ka zikr kiya ki unhone is baat ko establish karne ki koshish ki. Kya hua hai ki udhar se jab itraz hua तो हमारी तरफ से क्या कुछ हुआ है, चैलेंज किया गया है कि आप जो इतराज कर रहे हैं उस बात को एस्टैब्लिश करिए? ऐसा कोई फिरके में नहजुल बलागा के नहजुल बलागा में यहाँ पे फिरकावारियत नहीं है, यानी नहजुल बलागा को नहजुल बलागा व्हाट आई वांट टू से कि इफ दे आर मेकिंग अ क्लेम दैट दिस इज नॉट अ फ्रॉम हु यू मीन बाय दे मींस देखिए मुसलमानों के जो 73 फिरके हैं, 73 फिरके पूरे 73 फिरके मानते हैं कि ये नहजुल बलागा हजरत अली का कलाम है, और ये 73 फिरकों में बाज लोग हैं जो मानते हैं कि वो नहीं है। खुद आपके मोमिनीन में, खुद आपके अहले तशी में बाज लोग हैं जिन लोगों ने इसको नहीं माना है, सैयद रजी का कलाम कहते हैं। तो इट्स ऑल स्प्रेड ऑल ओवर द आपके जो है ब्लैंकेट, तो ऐसा नहीं है। मेजोरिटी If somebody is claiming that this is from Sayyid Razi, so have they been ever challenged? If you are claiming this, then you establish it. This is from the very beginning. मैं आपका सवाल नहीं समझ। आप ये कह रहे हैं, it was already been challenged and proved. It has been told. They have given the references. Yani, agar aap ji, it is our faith. It is from Hazrat Ali al-Islam. It is not from Sayyid Razi. He is a compiler. Yes, sure. It's a compiler. Compiler. But if somebody is making a claim that it is not from Hazrat Ali al-Islam, there is some group, for example, they are claiming it is not from Hazrat Ali al-Islam. It is a writing of Sayyid Razi. So yes, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कुरान को जो है 1.5 बिलियन लोग कहते हैं अल्लाह की किताब है, लेकिन 3.5 बिलियन लोग कहते हैं इट इज नॉट, इट इज द रिटन बुक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। दे आर नॉट गोइंग टू टेल इट्स अ गॉड बुक। तो आपको मालूम है, जब कुरान मजीद के बारे में मेजोरिटी जो है 2/3 जो है लोग दुनिया के आज 2/3 दुनिया के जो लोग हैं वो नहीं कहते कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, वो मुसलमान कहता है। मुसलमान जो है 25% 20% ऑफ द वर्ल्ड है, उससे कुरान को क्या नुकसान हुआ? उसको आपको प्रूफ करने की क्या जरूरत है? प्रूफ करने की जरूरत ये है कि हर मुसलमान कहता है ये अल्लाह की किताब है, दैट्स इनफ फॉर अस। डॉक्टर साहब, अगर इजाजत दें तो मैं एक जुमला कहना चाहूंगा यहाँ पर जी, सवाल के जवाब के तौर पर। मैं गुजारिश करूंगा सवाल करने वाले मोहतरम से कि अगर वो मुफ्ती जाफर हुसैन का जो उर्दू तर्जुमे वाला नहजुल बलागा है उसके इंट्रोडक्शन में मौलाना अली नकी साहब नकन ने 17 पेज का तफरीज लिखी है, जिसमें से 15 पेजेस पे उन्होंने मुकम्मल हवालों के साथ लॉजिक और मंतिक के साथ डिफेंड किया है। जो आपका सवाल है कि क्या किसी ने डिफेंड भी किया कि नहीं है, तो अगर वो एक 15 पेजेस आप पढ़ लें जो उर्दू में है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, मुफ्ती जाफर हुसैन का जो उर्दू वाला ट्रांसलेशन है उसके अंदर मौलाना अली नकी साहब नकल ने जो मुकदमा लिखा है वो 17 पेज आप पढ़ लें, आपको मुझे यकीन है कि तशफी बख्श जवाब मिल जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर अदबी मोजिजा जाएं, अदबी मोजिजे में आपको ये 40 रेफरेंसेस मिलेंगे मेरे, ये पूरे रेफरेंसेस जो आप देख रहे हैं ये मेरा
मसवदा है तो उसमें आप देखेंगे कि मैं अरबी उर्दू फारसी में जितने लोगों ने डिफेंड किया है दे आर इसमें मैंने बताया है 83 रेफरेंसेस हैं। तो आप www.drtaqiabedi.com पे जाएं, अदबी मौजज़े को क्लिक करें और उसमें आपको मिलेगा आपके जो है नाम मिलेगा कि किसके कौन है लिखने वाला, आपके जो है उसकी वो मिलेगी असाबे अली है या कौन है, उसके बाद उसका जिक्र कहाँ है। तो 83 references I have given in my book Adabi Mojiza, तो आपको पूरे मिल जाएंगे। They have all defend, इन सब ने आपके जो है नहजुल बलागा को मौला अली का आपके जो है कलाम कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं जाता हूँ जनाब जाहिद साहब को इनवाइट करने के लिए। जाहिद अली खान हमारी आपके जो हैदराबाद की आन बान शान शिनाख्त मोहब्बत, और मैं तो अब जाहिद भाई का आपके जो है और इनके वालिद मरहूम आबिद अली खान साहब के जमाने से हम आपके जो है सियासत से जुड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। जाहिद भाई को लाइए आपके जो जरूर। हेलो 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 जी या अस्सलाम वालेकुम तखी, डॉक्टर तखी, आई हैव वन क्वेश्चन। सो आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट जस्ट नाउ मायसेल्फ सहरा, सो ओनली वन थिंग आई डोंट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट रीड उर्दू, सो इफ यू हैव समथिंग इंग्लिश बुक रेफरेंसेस वेयर यू हैव ऑलरेडी डन अ ट्रांसलेशन, सो आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय ऑल दैट, इफ यू कैन जस्ट गिव दैट बिकॉज़ इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, बिकॉज़ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू बिकॉज़ आई वाज सो inspired by your videos and everything, I thought to go and see how it is like the adabi mauzu you are saying, so but I think unfortunately everything is in Urdu, so if English this aapke jo hai kya kehte hain ibrat which I was talking about this khutba, yeah, I have in English and this translation was done by Jarrah Razvi, so there are 8 or 10 pages. If you send your email or yep. if you send your what you call your WhatsApp, I can send this the translation of this khutbah, but yeah, Jafri sahab, the whole Nahjul Balagha is in English. We are yes, I am going through Nahjul Balagha in English only. I'm reading now, but because yeah. You have said that, well, because you know some things I may not understand how it is, because you guys know, you are aware of that sentence on how it is derived and what is the translation mean. When in English you don't get to see how much, but the way you explained detailedly that I was pretty much impressed, and I just wanted to see, I mean, like then I will understand how detail and what was it. Any question Fatima, you can just ask on WhatsApp or this one, whatever I can do, if I know I will do that one, but yep. I can send, this is a very nice translation done for this sermon Mojiza, and I will send, and it was done by Jarrah Razvi, and I have in the printed form, I can send you, no problem. Yeah, thank you so much, sorry to disturb you. You are most welcome. Unfortunately we are not able to connect Zahid Saab. I doubted if there is some power breakdown or internet breakdown in that area. Yahan barish kafi ho rahi hai is waqt idhar. So we are not able to connect. Irshad, do you have anything to mention before I invite for the vote of thanks? Irshad. Yeah, ji. Assalamu alaikum. There are a couple of questions on chat, so I can read them out. Please, since Janab Zahid Sahib is not available, I can give a leverage of 5-10 minutes to you. Irshad is from UK, London. Ji. Assalamu alaikum, Dr. Sahib. Alaikum assalam. I'm just going to read a few questions. So one is, when you compare different translations, the khutbah numbers do not match. Any comment on this? Yeah, very nice question. Uski wajah ye hai ke logon ne aapke khutbat ko mukhtalif uske matan ke lihaz se, with the test, they have changed the numbers. The other thing is that in different languages, you have a different sort of numbering in khutbas. So you have to, and they all khutbas are not having the title. There are few khutbas we have the title. So it has to be compiled in a way. But most of the Farsi and Persian translations are done by the
authors of and translators of Farsi, they have done in the same way as they got it from the Sayyid Razi Sharif. So that's the problem. But we can find out, you know. You have to go with the text, what is there, and inshallah, then you can learn. And the new scholars in the Nahjul Balagha should do this work. It will be, you know, and also I request these scholars, they have to make a summary of, you know, most of these relevant sermons. Agar kisi ke paas, if they don't have enough time, agar kisi ke paas utna waqt nahi hai, at least they should know something. Agar darya ka pura paani aapke sencha nahi jata, kam se kam apne sagar mein itna to khecha jaye ki kuch pyaas bujh sake. So I want that the scholars should come out and do this one. They will be illuminated, and that is the greatest aapke jo hai, main samajhta hu, it's ibadat to do this work for Nahjul Balagha, because it's a जैसा मैंने कहा कि इससे ह्यूमन वैल्यूज लिटरेचर एंड इंसान साजी है. हेलो हेलो यस अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस विद योर लेक्चर. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट द साइट एड्रेस व्हिच यू हैड जस्ट टोल्ड इज www.drtakiabedi.com. Am I right? I will spell it. www.dr. Yeah. After dr there is no no dot. drtaqi. Okay. Yeah. abedi. Okay. .com. Yes. शुक्रिया. अच्छा एक चीज और जस्ट आप जो अभी फरमा रहे थे उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ. कि आपने अभी ये फरमाया कि मेरे ख्याल से 3/4 लोग जो हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन ये इस बात को नहीं तस्लीम करती कि कुरान जो है वो एक डिवाइन मैसेज है, और 1/3 एज पर द स्टैटिस्टिक्स विच यू हैड टोल्ड. तो मैं इसमें एक जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि सर 3/4 में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद जिन्होंने पढ़ा होगा या उस पर उन्होंने कंटेम्पलेट किया होगा या वो कॉम्प्रीहेंड कर सकते होंगे. इसके बरखिलाफ बहुत से ऐसे लोग इवन मुस्लिम्स में भी होंगे जो सिर्फ ये मानते होंगे कि कुरान जो है वो इलाही किताब है, लेकिन दिल में उनके बस यकीन है बिकॉज सिंस दे आर बॉर्न मुस्लिम. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हु आर नॉट रिलेटेड टू मुस्लिम फेथ. दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि दिस बुक cannot be but a message from Almighty, the creator of universe. Like one example is Dr. Morris Beculi, jinka kehna hai ke bahut se most modern facts jo aaj 19th century ya baad mein discover hue wo unki glimpses Quran mein maujood hai, aur aisa ho hi nahi sakta ki 1400 saal pehle koi shakhs isse in sab se waqif ho aur unka zikr kare, aur us zamane ka koi superstition Quran mein nahi hai. To is ye ek cheez hai, aur isi tarah se नहजुल बलागा के बारे में भी कि जो लोग अदब से और उससे वाकिफ हैं और वो इसके इसको इसका मुतायला करते हैं तो वो जरूर इस कंक्लूजन पे आएंगे कि ये दिस इज द पीक ऑफ एलोक्वेंस एंड इट कैन नॉट बी एनीथिंग लाइक दैट सर. या बिल्कुल आई एग्री, बट आप अगर एक थोड़ी सी रिसर्च करें, इफ यू पुट आपके जो है दिस क्वेश्चन इज कुरान इज ए आपके जो है बुक व्हिच वाज रिवील्ड फ्रॉम द स्काइज बाय द गॉड, आप एक 10,000 भेजिए तो यू विल थिंक दैट आई विल बी राइट, क्योंकि ये काम कर दिए गए हैं. इसी वजह से अगर बाइबल के बारे में मैं आपसे पूछूं या अगर कोई दूसरी किताब के बारे में पूछूं, यू आर नॉट गोइंग टू आंसर द सेम वे एज यू विल आंसर फॉर कुरान. मसला ये है कि ये हमारा मसला है, उससे कुछ कुरान मजीद की कुछ उसमें कमी नहीं हो रही है. अल्लामा इकबाल ने एक चीज कही थी कि मेरा मकसद आपके जो है इस्लाम की वकालत नहीं करना है, बल्कि मेरा मकसद आपके जो है एक माशरे की तश्कील है. तो कहने का मतलब यह है कुरान इज ए डिवाइन बुक फॉर अस, वो जालिकल किताब, वो यूमिनूना बिल गैब, और इसीलिए हमारे लिए हिदायत होगी क्योंकि हम उसको बिल गैब मान रहे हैं. जो लोग गैब पर ईमान नहीं रखते उसके लिए ये किताब इम्पोर्टेंस ही नहीं है. तो नहजुल बलागा एक अजीब चीज है कि इवन इफ यू डोंट एग्री विद दैट you will be benefited with the Nahjul Balagha for making your life easy.
देखिए हम लिटरेचर के आदमी हैं, लिटरेचर में आप जो है आप देखते हैं कि एक स्टोरी से आप अपने को रिफाइन कर सकते हैं। तो कुरान मजीद की जो अहमियत है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो उन्हीं लोगों को फायदा देगी जो यूमिनूना बिलगैब पर अमल रखते हैं। लेकिन नहजुल बलागा की जो बलागत है वो हर एक को आपके अपील करेगी हु वांट्स टू कंस्ट्रिक्ट आपके देमसेल्फ इवन देविल, क्योंकि ये कलाम मखलूक है और कुरान मजीद कलाम खालिक है। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल का मौका देता हूँ सैफुद्दीन साहब को, सिंस लॉन्ग टाइम ही इज ट्राइंग टू रेज हिज हैंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सैफुद्दीन साहब प्लीज पुट ऑन योर माइक। जी मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए था। मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हैदराबाद के हैं या कहाँ से बोल रहे हैं? मैं केरला से। इफ यू कैन ओके, आपने मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिख लीजिए। एक मिनट जी, बताइए। 99 99 129 129 350 350 66 66 मुझे इस नंबर पर आपका एड्रेस भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे तोहफे के तौर पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भेज दूंगा इंशाल्लाह। विद दिस फ्यू क्वेश्चंस आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट जनाब तखी अस्करी साहब विला कि वो हमारे मेहमान का और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करें। जनाब तखी अस्करी साहब विला, सेक्रेटरी कुल हिंद नहजुल बलागा सोसाइटी। तखी भाई जी, जी बहुत शुक्रिया जी। हेलो कम्युनिकेशन आपके उसकी वजह से खराब हो रहे हैं, आपके पानी की वजह से हो सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली हम जाहिर साहब को मिस कर रहे हैं और तखी अस्करी विला को भी मिस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के हमारे मेहमान मुकर्रर डॉक्टर तखी रजा तखी आबिदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे एक दावत को कबूल किया था, मगर अजीब इत्तेफाक था कि उस वक्त लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो हमारी महफिल मार्च के महीने में नहीं हो पाई थी और डॉक्टर साहब ने वादा किया था कि इंशाल्लाह अगला सेमिनार जब भी होगा वो पूरी कोशिश करेंगे हाजिर होने के लिए। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि इवन दो वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेमिनार बट स्टिल ही कुड मेक हिज टाइम एंड he was all present with us with about maybe 200 participants. ye zoom ke upar baar baar mujhe message aa raha tha ki we have reached the limit, isliye hum logon ne parallelly facebook stream jari ki thi so that whosoever will not be able to join on zoom they can go to the facebook. dono systems ko main dekh raha tha aur watch kar raha tha. alhamdulillah हमारा ये पहला तजुर्बा था डॉक्टर साहब के साथ जो बहुत ही कामयाब रहा। मुझे थोड़ा सा अफसोस है इस बात पर कि बहुत से लोग इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स जबकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था दे वर ट्राइंग टू बी इन द वेटिंग लिस्ट और वेटिंग रूम बट समबडी हैज़ टू क्लिक देम एस टू एडमिट और मैं अपने सिस्टम से नहीं कर रहा था एंड आई मस्ट थैंक इरशाद। इरशाद इज फ्रॉम अल नूर इंस्टीट्यूट London, who has made in a very short time as a co-host, or because I was busy on my system, pe, so he was managing the entire show behind the screen, sitting in London. ये बहुत बड़ी हमारे लिए अच्छी बात रही कि मैं हैदराबाद में हूँ, इरशाद लंदन में है और हमारे मेहमान मुकर्रर टोरंटो से हमको मुखातिब कर रहे थे and I am sure that there were lots of participants. From all over the world, at least I could see from half a dozen countries and from half a dozen cities from India.
डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत तारीफ वाले जुमले आपके हमारे चैट के ऊपर मुसलसिल आ रहे थे, मैं चैट बराबर देख रहा था ये सोच कर कि शायद कोई सवाल होगा तो आप तक पहुंचाऊं। सवाल तो कोई नहीं था मगर हर पार्टिसिपेंट ने तकरीबन आपकी तारीफ बेहिसाब अल्फाज और जुमले लिखे हैं। नहीं, तारीफ तो क्या, तारीफ तो बहरहाल आपके जो है, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसकी अगर आप एक यूट्यूब बना दें तो लाखों से लोग इस्तेफादा कर सकेंगे। एक यूट्यूब जरूर बनाकर इसको फेसबुक पर और इसको आपके मुझे भी भेज दीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा है कि इसकी यूट्यूब की उनको जरूरत है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये सब आप ही की जो है सरपरस्ती और आप ही के, आप सिपे सालार हैं इस लश्कर के और हम आपके लश्कर के सिपाही हैं, तो इंशाल्लाह जो है आपके साथ चलेंगे। और मौला अली की जो है ये रोशनी है और इस रोशनी इस वक्त जैसा मैंने अर्ज किया कि इसमें लोगों को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी यूट्यूब जरूर, इसकी यूट्यूब जरूर बना दीजिए और मैं ममनून हूँ आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का, डॉक्टर साहब का और खासतौर पर इरशाद का, जो उन्होंने बहुत कुछ मेरी जिम्मेदारी संभाली लंदन से। वी होप कि इस कामयाब तजुर्बे के बाद हम लोग मजीद वेबिनार के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, शुक्रिया। क्लोज कर रहे हैं।